तो आज मुकरम का जहन का बैठे और मुकरम साहब वेट कर रहे हैं कि कब वो बाहर आएगा और ये उसको विश करेगा। मस्त प्लान है। बात रह गई है, लाइट चल गई है गाइस। अभी फाइनली कि जैसा कि आप सब जानते हैं हम पहुंच गए, लेकिन हम खुद सरप्राइज हो। ये हमारे यूट्यूबर साहब आज तो इनकी भी बत्ती गुम। सबसे स्पेशल बंदा जिसको कमर में चुप कर लिया लेकिन फिर भी आ गई। Happy birthday to you. Happy birthday dear. बाकी बातों की बातें मेरी भी वीडियो बनी। ओके तो कैमरा मेरे पास है और ये दिल्ली हम दोनों मंगनी फाइट मोहब्बत में और दिल लगी में क्या मोहब्बत ऐसे ही जैसे ऐसे ही चला गया जैसे आपके भी मुझसे कंधे और भाई की दादी दिल लगी। तुम दोनों ने किया क्या दिल लगी थोड़ी देर की होती है मजा लेके खत्म होता है मोहब्बत वो है जब प्रॉपर आप उसको अपना बना के क्या कहने क्या आदाब आदाब आदाब। अच्छा जी क्वेश्चन हुआ है कि मोहब्बत और इश्क में क्या फर्क है, तो ये हमें इश्क में इश्क के सागर में डूबे हुए लोग ही कुछ इसका आंसर करेंगे। तो ठीक है, और जो वो है जो दूसरा क्या था इश्क, इश्क जो है वो जुनून है, इश्क जुनून का नाम है। इश्क कोई सिंपल आंसर है जी में काटेगा तो नहीं, मोहब्बत वो जिसमें दिल टूटता है और इश्क वो जिसमें मंजा टूटता है। ये बात नहीं है यार, मोहब्बत और इश्क में याद रखना कि जो ला हासिल हो जाए ना वो इश्क हो जाता है। प्रॉपर आंसर करें, जो ला हासिल हो जाए वो इश्क हो जाता है। लेकिन मुझे बता रहा हूँ इश्क वो जो ज्यादा वो आपकी ना तलब बन जाती है। मेरी नजर में इश्क एक नशा है, लेकिन ये जो अभी ये जो मुकरम साहब है इनसे भी हम इतने सारे करने का मकसद है ना वो ये था कि हमें कुछ पता चला था कि मुकरम के साथ जासिम की अटैचमेंट कुछ ज्यादा है, वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो हम इसके लिए पूछना चाह रहे थे कि वो जासिम को कुछ सजेस्ट करे कि उसे आगे नहीं चाहिए। या तो काट ले, साल तूने भी नहीं कर, नहीं तो काट ले, नहीं ये तो सरासर ज्यादा है। ओए एक मिनट रुक, एक मिनट इधर कैमरा करी, तू 5 साल रुकेगा भाई? वो बात है नहीं भाई, उसको मसला नहीं है, वो तो कह रहे ठीक रहा दो इवन कह रहे हैं उसको जेनेटिक मसला नहीं है, वो ठीक लगता है, वो फिट लगता है, उधर प्रॉब्लम है। यार मेरा नहीं है, मेरा आप थोड़ा सा पीछे आके खड़े होकर दिखाएं, दिखाओ दिखाओ। ओए एक मिनट मैं कैमरा दिखा रहे, जो तेरी दूरी बहुत बड़ी भाग भाई होगी तो गला नहीं वाइट वाला आ गया। हां सही है, गलत सही है, तू भी अपने बड़े निकला पहले ही जा रहे थे इससे पहले कि मोहब्बत को मोहब्बत कह सकते हैं या बाद वाली। नहीं नहीं कह सकते हैं मोहब्बत, देखो शादी पे नहीं कन है कि शादी होगी तो ही मोहब्बत होगी, शादी से पहले हो सकती है। लेकिन कौन सी ज्यादा अच्छी है? नहीं अभी अच्छी कोई भी, मैं मेरा जहां तक ख्याल है अगर आप किसी को अभी मेरी बात सुनो तुम्हारी हुई है नहीं नहीं ठीक है, तो इस पे आप कह सकते हो हाँ मेरी जो है फ्योन से वो अच्छी है ठीक है आपसे उससे मोहब्बत हो गई, लेकिन जो आप बाद में तो शादी के बाद ही पता लगना है, और ये सारों का यही एक्सपीरियंस है भाई कि शादी के बाद ही पता लगता है, क्यों बिलाल साहब ऐसे ही है ना ठीक है। इस पे आप बिल्कुल सही बात है, मोहब्बत वाला कॉन्सेप्ट या तो हाँ निकाह के बाद पूछता ना वो लहदा सीन है,
निकाह के अल्लाह ताला की तरफ से हो जाता है फिर के निकाह जिसके साथ हो जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमें पहले करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या नहीं करनी? मोहब्बत वो उस पे आपका है ही नहीं राइट। हमें राइट पता चले ना कि हमने जासिम को कुछ नहीं यार ये जासिम को नहीं राइट है ही नहीं। हाँ अपनी नेचर पे करता मैं उस बंदे को नहीं इतना मुंह लगाता यानी कि एक चीज को सोचता नहीं हूँ इतना। मेरा अब गोरे है गोरों के दिल नहीं अल्लाह ताला ने बनाया वो नहीं लगते। हम दोनों गिरे हुए हैं मैं बाइक चला रहा था चीमा पीछे बैठा था मैंने मोड़ काटा ऑयल गिरा हुआ था नहीं कुछ भी नहीं यूं मोड़ काटा था मिनट भी नहीं लगा था ऐसी था जीमा जी शोरूम से बाइक निकाली और इस तरीके से मंडी है इतनी गंदी बाइक चलाई थी ना तो मैं सोच भी नहीं सकता कि इस तरह की बाइक सोच हेलो इतना लंबा मैसेज आया पैराग्राफ वो पढ़ने नहीं दे रहे यार तुम लोग अंगूर खट्टे हैं मेरी बात सुनो यार ये सारों की तरह ये कहते हैं लूट इसके लिए आमीन कहो नानू तू भाइयों की तरह लड़ा शहरी में शहरी के जोश में बैठने वाले लोग सर्विस हो जाएगी बेटर लेकिन हम लोग जल्दी हमारी भी हम लोग लेट आए सर्विस रश की वजह से भी कहा जा सकता है वैसे भी यहाँ लेट भी आए हैं हम लोग उनके क्लोजिंग टाइम का और हमारा मेरा ख्याल हमारा ऑर्डर जो था वो लास्ट ऑर्डर है तो बाकी आपको समझदार टेस्ट बहुत अच्छा हम सेकंड टाइम यहाँ पे आए हैं फर्स्ट टाइम आए थे तब बारिश हो रही थी तब भी सर्विस स्लो थी और फिर सर्विस स्लो मिली है बाकी टेस्ट बहुत अच्छे हो रही हैं फुल टाइम ओके शेख साहब ओके जानी जानी मैंने जो बताया ठीक है प्लान करो वीकेंड वीकेंड पे कर लेते हैं साहब।